पैसा निकालना एकदम से ही बंद हो गया है। जी हाँ, अगर आप रिटेलर हैं, किसी भी बैंक का आप रिटेलर हैं, किसी भी पोर्टल का रिटेलर हैं, तो आपके साथ ये प्रॉब्लम जरूर देखने को मिल रहा है। 1 अक्टूबर से स्टेट बैंक का आधार कार्ड के जरिए पैसा निकालना बंद हो गया है। आप लोग यहाँ पे जो वीडियो चल रहा है उसके माध्यम से देख रहे होंगे कि वहाँ पे सर्वर का इशू बता रहा है, लिंक का प्रॉब्लम बता रहा है, ना चेक हो पा रहा है, ना मिनी स्टेटमेंट निकल रहा है, ना ही विड्रॉ हो पा रहा है। यानी कि आधार सिस्टम एकदम से स्टेट बैंक का बंद है। लेकिन मैंने YouTube पे सर्च किया, बहुत सारा वीडियो भी मैंने देखा, वहाँ पे 141 वीडियो लोग ने बना रखा है, वो SBI के बारे में इतने सारे बातें बोल रहे हैं। तो भाई साहब मैं बता दूं कि ये स्टेट बैंक है, दुनिया के कहीं भी किसी भी कोने में चल जाइए, आपके पास मतलब इंडिया के बारे में बोल रहा हूँ, इंडिया के किसी भी कोने में चल जाइए, स्टेट बैंक के कस्टमर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और स्टेट बैंक का ये प्रॉब्लम की वजह से हमारे रिटेलर्स पे भी अच्छा खासा प्रभाव जो है पड़ रहा है। खुद मेरे ब्रांच पे भी लगभग मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, लाखों रुपए का वहाँ पे ट्रांजेक्शन होना जो है बंद है फिलहाल के लिए, क्योंकि स्टेट बैंक के हमारे पास कस्टमर काफी ज्यादा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये प्रॉब्लम ज्यादा दिनों तक रहने वाला नहीं है, हो सकता है कि आज ही खत्म हो जाए, या फिर हो सकता है कि कल से ही आपका स्टेट बैंक का प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाए और पैसा निकलना स्टार्ट हो जाए। देखिए मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि स्टेट बैंक का ये लिंक का जो प्रॉब्लम है ये कोई मेंटेनेंस के काम की वजह से हो रहा है। मेन ब्रांच पे भी, मेन ब्रांच पे जाकर भी लोग वापस आ रहे हैं, वहां से भी हमें पता चल रहा है कि वहां पे भी जो है सर्वर का दिक्कत है, लिंक फेल का प्रॉब्लम लोग बता रहे हैं। तो कस्टमर आके हमें बता रहे हैं कभी कभी वहां पे ट्रांजेक्शन हो भी रहा है, वो भी ब्रांच मेन ब्रांच में या फिर CSP वालों के पास जो SBI के CSP चलाने वाले हैं। लेकिन APS जो है 1 अक्टूबर से ये फिलहाल के लिए बंद है। तो आप लोग ऐसा ना सोचिए कि हो सकता है कि हमेशा के लिए बंद हो गया, नहीं, क्योंकि देखिए ये स्टेट बैंक कैसा भी है तो ये सरकारी बैंक है और सरकार का नियम के अनुसार ही ये APS लॉन्च हुआ था। गवर्नमेंट ने ही APS लॉन्च किया था कि डोर टू डोर तक जाके APS का ट्रांजेक्शन हो पाए। तो मैं अभी आप लोगों से इतना ही बोलूंगा कि कुछ समय के लिए हो सकता है कि मेंटेनेंस के काम की वजह से ये बंद हो, फिर ये चालू जरूर होगा। जहां तक मेरा उम्मीद है, कोई अनाउंसमेंट तो SBI की तरफ से है नहीं कि मैं आपको खुल के बताऊं, तो ये ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए बंद है। ये एक छोटा सा जानकारी आप लोगों को मैं देना चाहता था। बहुत सर्वर डाउन है, इसके बावजूद भी मॉर्निंग में पैसा निकल रहा था कि हम सुबह 7:12:08 में पैसा किसी का निकाले हैं 500 रुपये। और भी दिखाते हैं आपको बिटावल, देखिए ग्रुप में आया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप में देखो, लड़का 7:09 में 1000 रुपये निकाला है, यानी मॉर्निंग में काम कर रहा है। फिलहाल मॉर्निंग में पैसा आप निकाल सकते हैं, सुबह 7 बजे से पहले 5-6 बजे सुबह निकाल सकते हैं। 5-6 बजे सुबह हम निकाले थे, पैसा निकल रहा, पेनियर से तो निकल ही रहा और दूसरे कंपनी का ID से भी निकल रहा। देखिए एक और है, ये देखिए आज का ही ट्रांजेक्शन है, आज 7 तारीख है, 7 तारीख है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 7 तारीख, ठीक है 28 है ना, 7 तारीख 8वां महीना 2022 7:12:08 तो निकल रहा, मॉर्निंग में पैसा निकाल सकते हैं।